वकालतनामे दस्तखत करवाने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता हाईकोर्ट के वकील को पहुंचे हैं। सूत्रों तो प्राप्त जानकारी अनुसार वह हाईकोर्ट के पटीशन दायर करके अपने पुत्र के कतल की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी तो करवाने की मांग करना चाहते हैं। जिक्र योग है कि अपने पुत्र की मौत का इंसाफ ना मिलने से पंजाब सरकार की हुण तक की कारगुजारी तो नाराज सिद्धू मूसेवाला के मापिया वालों हाईकोर्ट का रुख किया गया। जानकारी मुताबिक बहुत जल्द ही हाईकोर्ट पटीशन दायर करवा सकते हैं। दस दिए कि सिद्धू के माता पिता अज हाईकोर्ट पहुंचे सन तो वह उत्थे सिर्फ 5 मिनट तक ही रुके, बाद विच उत्थों चले गए। पर सूत्रों तो प्राप्त जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि वह हाईकोर्ट के विच पटीशन दायर कर सकते हैं, अपने पुत्र के कतल की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी तो करवाना चाहते हैं। इस तरीके की मांग वह कर रहे हैं, इस करके वह हाईकोर्ट के विच एक पटीशन दायर कर सकते हैं। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो फैक्ट न्यूज़ ते मैं सिमरन धालीवाल। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने हाईकोर्ट वाल रुख किया है। कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के माता पिता बहुत जल्द ही हाईकोर्ट के विच एक पटीशन दायर कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के माता पिता वालों एक स्वतंत्र एजेंसी तो सिद्धू मूसेवाला के कतल की जांच करवाने की मांग की जा रही है। तुम दस दें कि वकालतनामे से दस्तखत करवाने लिए सिद्धू मूसेवाला के माता पिता हाईकोर्ट के वकील को पहुंचे हैं। सूत्रों तो प्राप्त जानकारी अनुसार वह हाईकोर्ट के पटीशन दायर करके अपने पुत्र के कतल की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी तो करवाने की मांग करना चाहते हैं। जिक्र योग है कि अपने पुत्र की मौत का इंसाफ ना मिलने से पंजाब सरकार की हुण तक की कारगुजारी तो नाराज सिद्धू मूसेवाला के मापिया वालों हाईकोर्ट का रुख किया गया। जानकारी मुताबिक बहुत जल्द ही हाईकोर्ट पटीशन दायर करवा सकते हैं। दस दिए कि सिद्धू के माता पिता अज हाईकोर्ट पहुंचे सन तो वह उत्थे सिर्फ 5 मिनट तक ही रुके, बाद विच उत्थों चले गए। पर सूत्रों तो प्राप्त जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि वह हाईकोर्ट के पटीशन दायर कर सकते हैं, अपने पुत्र के कतल की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी तो करवाना चाहते हैं। इस तरीके की मांग वह कर रहे हैं, इस करके वह हाईकोर्ट के पटीशन दायर कर सकते हैं।